सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं साइबर टेक। तो यार आज की इस वीडियो में मेरे पास एक बजट फ्रेंडली ब्लूटूथ हेडफोन आईबॉल की तरफ से आते हैं। ये डेसिबल BT10 इनका मॉडल नंबर है। बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली हेडफोन है और इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं वीडियो के आगे आपको इसके सारे फीचर्स बता दूंगा, तो जल्दी से अनबॉक्स करता हूँ और आपको बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलता है। और बॉक्स को थोड़ा क्लोजअप से देख लेते हैं फिर अनबॉक्स करेंगे। यहाँ आपको डेसिबल BT01 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ अपने प्रोडक्ट की इमेज और इस साइड भी आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ भी आपको प्रोडक्ट की इमेज देखने के लिए मिल जाएगी। मेरे पास ये ब्लैक और गोल्डन कलर में अवेलेबल है। पीछे की साइड अगर आप आते हो यहाँ आपको इसके फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं मिलेंगी। यहाँ आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी जो कि यहाँ से आप रीड कर पाओगे इजीली। इसका प्राइसिंग मैं आपको बता दूँ 1990 रुपीज़ है, जो कि ऑनलाइन कम मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के आगे बता देता हूँ। तो जल्दी से इसे ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ और अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा मेन प्रोडक्ट्स और ये इसकी केबल हैं और साथ में कुछ इसकी मैनुअल भी देखने के लिए मिल जाती है। ये बॉक्स को तो हम साइड में रख देते हैं और केबल्स पे आता हूँ मैं डायरेक्ट। तो चार्जिंग केबल की बात करूँ सबसे पहले तो चार्जिंग केबल बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है रेड कलर में। इसमें आपको USB to Micro USB चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है और केबल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पाएंगे केबल भी बहुत ज़्यादा लंबी देखने के लिए मिल जाती है आपको और अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर क्वालिटी के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चार्जिंग केबल है ये। और ऑक्स केबल की बात करूँ तो ऑक्स केबल आपको ब्लैक कलर में ही मिलती है और जो कि ऑक्स केबल की भी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी देखने के लिए मिल जाएगी आपको इसके अंदर, ये भी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। और इस साइड आएंगे तो इस पॉलीथीन के अंदर आपको इसका मैनुअल देखने के लिए मिलता है प्रोडक्ट का, कैसे कैसे आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे वो मैं आपको वीडियो के आगे भी बता दूंगा। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा मेन प्रोडक्ट, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा लगता है। आप देख पाएंगे यहाँ आपको आईबॉल की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। इस साइड आपको ये प्रीमियम सी ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर, जो कि गोल्डन कलर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है ब्लैक के साथ। इस साइड आपको गोल्डन स्ट्रैप्स ही मिल जाएंगी इसके अंदर, जो कि एक ये भी प्रीमियम फील करवाती हैं इस हेडफोन को। और एक बहुत अच्छी बात है, इस हेडफोन के अंदर आपको फोल्डेबल ऑप्शन मिलता है और यहीं से अगर आप चाहो तो इसे एक्सटेंड कर पाओगे। आप देख पाओगे यहाँ से आप इसे इजीली एक्सटेंड कर पाओगे हेडफोन को अपने हेड के हिसाब से। और अंदर से इसकी कुशनिंग की बात करूँ तो कुशनिंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दे रखी है। इसके अंदर आपको आर्टिफिशियल लेदर देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कुशनिंग देखने के लिए मिलती है आपको। ऊपर की तरफ से भी अगर आप देखेंगे हेड स्ट्रैप में तो आपको ऐसा कोई पेनफुल फील नहीं होगा अगर आप इसे 3 to 4 hours ईजिली यूज़ कर पाएंगे। कोई ऐसा पेनफुल फील नहीं होने वाला आपको, क्योंकि इसके अंदर जो कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट देखने के लिए मिलता है आपको कुशनिंग इसके अंदर। बात इसके पोर्ट्स और बटन की कर लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, ना माइक मिलता है ना कोई आपको बटन देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। राइट हैंड साइड पर आपको इसके माइक्स और भी बहुत सारे बटन देखने के लिए मिलेंगे। आप देख पाएंगे यहाँ बहुत सारे बटन हैं, जैसे कि पहले आपको यहाँ मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। आप देख पाएंगे नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये आपको एक एम का बटन मिलेगा जो कि FM का बटन है। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आप FM मोड में चले जाएंगे और अगर आपको वापस म्यूज़िक मोड में आना पड़ेगा तो आपको इसी को प्रेस करना पड़ेगा फिर से। यहाँ आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिलेगा, सॉन्ग नेक्स्ट और प्रीवियस करने का भी बटन आपको यहीं से मिल जाता है इसके अंदर। और इस साइड आपको कॉल कट और कॉल पिक करने का ऑप्शन मिलेगा और इसको पावर ऑन और ऑफ़ करने का बटन। इसे पावर ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। अब देख पाएंगे यहाँ एक लाइट ब्लिंक हो चुकी है। और इस साइड आपको इसका माइक देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ आपको इसका USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ से आप इसे चार्ज कर पाएंगे माइक्रो USB से। और इस साइड आपको ऑक्स का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपकी बैटरी किसी कारणवश ड्रेन हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो आप ऑक्स केबल से अपना म्यूज़िक या अपनी मूवीज़ कुछ भी कंटिन्यू कर पाएंगे ऑक्स केबल यूज़ करके। तो हेडफोन के ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 5.0 ब्लूटूथ वर्जन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर आपको साथ ही साथ 40 mm के ड्राइवर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो आईबॉल क्लेम करता है 2 to 3 hours अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो आपको 6 hours का बैटरी बैकअप देगा, वो भी 100% वॉल्यूम पे है। और 30 hours का स्टैंड बाय टाइम देता है ये। और वेट की बात करूँ तो आपको इसके अंदर 165 grams इसका वेट है
भी ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा वेट मिल जाता है आपको इसके अंदर। फिटिंग और कंफर्ट की करूँ तो आप देख पाएंगे बहुत स्नगली फिट हो रहा है मेरे कानों के अंदर, क्योंकि ओवर द ईयर हेडफोन है और ऊपर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अधिकतर हेडफोन हेड की तरफ से प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन इसके अंदर कुशन बहुत सॉफ्ट है तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो फिटिंग और बिल्ड क्वालिटी की बात में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है ये। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बात इसकी साउंड क्वालिटी की भी कर लेता हूँ, तो जैसे कि हम इंडियंस को बेस ज़्यादा पसंद होता है, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेस आपको देखने के लिए मिलेगा और वोकल्स भी बहुत अच्छे से मैनेज करे गए हैं। और फाइनली बात इसकी प्राइसिंग की कर लूँ तो आपको नॉर्मली डेज पे 1200 का पड़ जाएगा ऑनलाइन स्टोर्स पे, और अगर कोई सेल वेल चल रही है तो आपको ये 700 या 800 तक का भी पड़ जाता है। तो बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके भी परचेस कर पाओगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए थैंक यू।